लेकिन यहाँ पे आपको देना है, यहाँ पे लिखना होगा ना, यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन देना, लेकिन वो जब जहाँ स्टोरी बनेगी वहाँ इंट्रोडक्शन कट जाएगा, वहाँ पर मैं आपका इंट्रोडक्शन कैमरा रेडी। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति माने, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, टैरो कार्ड, वास्तु शास्त्री और सिग्नेचर एनालिसिस। साथ में अभी जो नया निकला है वो है मोबाइल से एस्ट्रोलॉजी देखना। तो ये इतना इजी हो गया है लोगों के लिए कि उसके लिए ना न्यूमरोलॉजिस्ट में ना बर्थ डेट लगती है, ना बर्थ नेम मंथ लगता है, ना ईयर लगता है। खाली बस उनके मोबाइल को देखो और उनका भविष्य देखना शुरू करो। ये एक नया नया संशोधन हो रहा है इस दुनिया में, क्योंकि जब भी पहले जो शुरुआत में थे वो नाड़ी शास्त्र था, फिर नाड़ी के बाद में धीरे 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 एस्ट्रोलॉजी आया, जैसे उसके बाद में धीरे धीरे वास्तु तो पुरानी चीज़ है, लेकिन नया नया टेक्नोलॉजी लोग यूज़ करने लगे हैं। तो वैसे ही ये जो न्यूमरोलॉजी से आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मैं अभी खुद कर रही हूँ, यहाँ पे मेरा होल्डिंग्स भी लगा हुआ है, तो इससे मैंने काफ़ी लोगों के लाइफ को सुधारा हुआ है। और बस मैं काफ़ी कुछ कहना चाहूँगी लेकिन इतना वक्त नहीं है। जिस तरह से डिजिटल इंडिया बनाने का एक संकल्प है पीएम मोदी का, डिजिटल हर काम अब मीडिया डिजिटल से सोशल मीडिया हो चुका है, तो आपने भी मोबाइल से जिस तरह से बात की, लोगों के पास कम समय की कहीं ना कहीं बहुत कमी होती है, तो ये कितना आपने कब लॉन्च किया है इसको और कितना इसका लोग फ़ायदा ले पा रहे हैं, क्या लग रहा है लोग किस तरह से इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इसमें? सबसे पहली बात तो मैं रत्न सम्राज्ञी हूँ, रत्नों के ऊपर मैंने कम से कम 17-18 साल से काम किया हुआ है, लेकिन देखा है कि सबके कुछ नया इसमें लाना है, मुझे कुछ नया करना है, कुछ नया। तो नया में क्या है कि मोबाइल से जब भी मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ तो लोगों को इतना सरप्राइज लगता है, अरे ऐसा भी होता है, न्यूमरोलॉजी से आप देख सकते हैं, मोबाइल से कभी भविष्य होता है। तो मैंने इतने लोगों के मोबाइल से लाइफ को चेंज किया है, यहाँ तक कि बड़े बड़े लोगों को मैंने चेंज किया है। और वाकई में जैसे नंबर्स कैसे होते हैं, ग्रहों के साथ रिलेटेड होते हैं। जैसे नंबर्स, ऐसे एक नंबर है तो सूर्य है, दो नंबर है तो चंद्र है, तीन नंबर है तो बुध है, तो ऐसे बहुत 9 नंबर्स के 9 ग्रह होते हैं। तो उसी हिसाब से जब से मोबाइल में भी 10 नंबर होते हैं, तो 10 नंबर में जब शत्रु नंबर्स होते हैं और मित्र नंबर होते हैं, तो जब भी जब क्रॉस होता है शत्रु और मित्र नंबर्स में तभी प्रॉब्लम्स आती है। तो उसमें मैं क्या करती हूँ कि वो नंबर्स को अच्छे से मित्र ग्रह नंबर से मैं कनेक्ट करवाती हूँ, और वो ऐसे करने से क्या होता है कि फिर उनके लाइफ में भाग्य में चेंज आते हैं। अभी हमारा जब जन्म होता है तो हम लोग बर्थ डेट यूज़ करते हैं, बर्थ नेम, बर्थ डेट, ईयर, ईयर्स एंड मंथ्स, तो उस हिसाब से जब भी ये यूज़ करते हैं तो वो तो हम चेंज कर ही नहीं सकते। लेकिन मोबाइल आजकल ऐसा हो गया है कि इंसान रात दिन अपने साथ रखता है, तो जैसे नंबर्स अपने बर्थ डेट्स के नंबर अपने साथ चलते हैं, तो आजकल ये मोबाइल अपने साथ चलने लगा है। तो जब मोबाइल जब साथ चलता है तो उसके नंबर्स भी अपने साथ चलते हैं। तो जो जो लोग दो दो तीन तीन नंबर्स रखते हैं, तो मैंने जैसे जैसे इनके नंबर्स होते हैं वैसे वैसे मैं बताना शुरू करती हूँ, तो लोग बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होते हैं, अरे ये कैसे आप बता पाती है, बहुत सरप्राइजिंग है। लेकिन वाकई में अभी नया इस आने वाले जो समय में है, इतना शॉर्टकट में एस्ट्रोलॉजी होने वाली है कि लोग देखते रह जाएंगे और उनका नसीब भी बहुत अच्छे से चेंज कर सकती हूँ, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। तो ज्योति माने जी, आज वुमेंस डे है, तो वुमेंस डे पे महिलाओं को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? देखिए, महिलाएं हैं सबसे आगे हैं आज के ज़माने में, महिलाएं क्या नहीं कर सकती है, आज चांद में भी महिला जा चुकी है, तो महिला के बगैर तो पूरा सृष्टि निरसर बोल सकते हैं आप। जैसे माँ दुर्गा, इंदिरा गांधी, बहुत सारे झांसी की रानी, इतने बड़े बड़े नाम हो चुके हैं, तो महिला के बगैर दुनिया कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। तो महिला है, महिला हर जगह है, और महिलाओं में इतनी शक्ति ऊपर वाले ने दी है, वो घर संभाल सकती है, बच्चे संभाल सकती है, लोगों को अपने हिसाब से चला सकती है। और अभी तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में भी जितने लोग जेंट्स आगे जाते थे, लेकिन अब जो है लेडीज़ आगे जा रही है, आप देखेंगे ज़्यादातर लेडीज़ आगे है। तो तंत्र है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, टैरो कार्ड, कोई भी आप चीज़ उठा के देखिए, हमेशा लेडीज़ ही आगे है और लेडीज़ आगे रहेंगी। और मैं शुभकामना देती हूँ कि हमेशा लेडीज़ ही आगे रहें, जेंट्स तो है, ये तो एक दूसरे के पूरक है, मैं नहीं मैं बोलती हूँ कि पुरुष नहीं होते, लेकिन लेडीज़ के बगैर वो अधूरे हैं। और सबसे माँ दुर्गा,
उसके सब जो पूजा करते हैं, मैं खुद भी माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो जब सब देवताओं ने एक पावर खड़ी की है वो है दुर्गा माँ, वैसे ही हर स्त्री को जब तक इज्जत नहीं मिले, नाम नहीं मिले, उसको रिस्पेक्ट नहीं करे, तो ये सिस्टम में कुछ नहीं हो सकता। ऑल इंडिया वुमेन्स की तरफ से जिस तरह से आज महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है, तो किन किन महिलाओं को इस मंच पे सम्मानित किया जा रहा है और कहाँ कहाँ से महिलाएं यहाँ मौजूद हैं? यहाँ तो पूरी मुंबई से है, पुणे से है, गुजरात से है, अहमदाबाद से है, यहाँ तक कि US से भी आई हुई है और यूपी बिहार से भी है, बहुत मतलब ऑल इंडिया से सारी महिलाएं यहाँ आई हुई है, एक दूसरे का प्रोत्साहन बढ़ा रही हैं और सबका एक अभिमान बढ़ रहा है यहाँ आने के बाद में। बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, बहुत वार्म लग रहा है, बहुत ही अच्छा एनर्जेटिक लग रहा है। ऐसे प्रोग्राम हमेशा हो जाने चाहिए जिससे कि महिलाओं की शक्ति बढ़े, ताकत बढ़े और उनको प्रोत्साहन मिले। थैंक यू।